यहाँ पर संगीता गई है आम के पेड़ में और अचार के लिए आम तोड़ रही है, अचार डालने के लिए। ये देखिए यार आम के दाने, ये देखिए। बलगा जाए यहाँ हो चिबा रहा है तो पेड़। ये इतने बड़े आम, सारे आम के पेड़ हैं इधर। ये हिला रही है पेड़ को और आम गिरते जा रहे हैं। ये गिर गए आम। इतना छोटा आम देखिए, और वो भी पका है, पेड़ में ही पका था, इसने संगीता ने भेजा है। यहाँ पर मैं आम को धो रही हूँ, साफ करके धोने के बाद मैं इनको काटूंगी। यहाँ पर मैं काटने लगी हूँ आम, और आम को काटने के बाद मैं गुटिया भी निकाल दे रही हूँ। आम को सावधानी से काटना चाहिए क्योंकि हाथ उंगली उंगली कटने की डर रहती है, इसलिए सावधानी से आम को काटना चाहिए। और आम के मैं छोटे छोटे पीस बना रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे पीस धूप में सुखाने के लिए भी अच्छे होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं छोटे छोटे पीस। आम को काटने के बाद मैंने आम को टब में डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं हल्दी मिक्स करूँगी इसमें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि सरसों के तेल से सूखने में अच्छा। इसमें मैंने हल्दी और सरसों का तेल मिक्स कर दिया है। अब इसको डाल दूंगी मैं सुखाने के लिए। ये डाल दिया है मैंने खिलखिलाती धूप के साथ अचार को धूप में सुखाने के लिए। आज धूप भी बहुत अच्छी आई है, साफ मौसम है। आज खिलखिलाती धूप के साथ मैंने अचार डाला है धूप में, और 5-6 घंटे इसको सुखाने के बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। अचार सूख के तैयार हो चुका है और इसमें मैंने डाल दिया है तेल, सरसों का तेल, दिए हैं मसाले। दो पैकेट मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कश्मीरी मिर्ची, इससे कलर अच्छा आता है। एक पैकेट पूरा डाल दूँगी मैं इसको। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम। ये हो गया है अच्छे से मिक्स। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर सुखाए हुए आम डाल दिए हैं और अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और अब मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनको डिब्बे में डालूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैंने अच्छे से मसालों को अचार में मिक्स कर दिए हैं और यहाँ पर मसाले अच्छे से ऐड होने के बाद अभी मैं इनको डिब्बे में डालूँगी। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर डिब्बे में अचार डाल दिया है और अब मैं इनको धूप पर सुखाने के डालूँगी। बचे हुए आम को छोटे से डिब्बे में और डाल दूँगी। और ये अब मैं इसमें सरसों का तेल ऐड करूंगी। ये डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। तेल और मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसको डब्बे में भर दिया है और अब रख दिया है मैंने इसको धूप में सुखाने के लिए। और इसके ऊपर से मैं रख दूंगी, मतलब कपड़े से ढक दूंगी जिससे कुछ ना जाए इसके ऊपर करके। मैंने इसको साफ कपड़े से ढक दिया है और अब इसको 5-6 घंटे धूप में सुखाने के बाद मैं अंदर रखूँगी।